हेलो फ्रेंड्स, सिंपल्स किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम अपने किचन में एक बहुत ही सिंपल बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनाने जा रहे हैं, पॉपलेट फिश फ्राई। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, जिसके वजह से इसे बनाना आपको बहुत आसान होगा। तो चलिए, इस सिंपल सी रेसिपी को बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो सामग्री चाहिए वो देख लेते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक फिश लेवर की है, आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बीच में से इस तरह से कट्स लगा लिए हैं और इसे बहुत ही अच्छे से क्लीन कर लिया है। और साथ ही अब हम इसे मैरिनेशन के लिए जो मसाला चाहिए वो देख लेंगे। तो मसाले में अब यहाँ पे मैंने ले रखा है 1.5 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले रखी है, जो इसे तीखे के साथ साथ बहुत ही अच्छा सा कलर भी दे देगा। धनिया पाउडर ले लेंगे 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, अदरक और लहसुन की पेस्ट ले रखी है मैंने 1 टेबल स्पून, नमक हम अपने स्वाद अनुसार डालेंगे और साथ ही हमें चाहिए 1 नींबू का रस। अगर आप चाहें तो इसमें कोकम का रस भी ऐड कर सकते हैं नींबू के अलावा। और इसके अलावा अब यहाँ पे हमें इसे कोटिंग के लिए मैंने यहाँ पे सेमोलिना यानी कि सूजी ले रखी है, जिससे हम इसे बहुत ही अच्छे से कोट कर लेंगे। आप अगर चाहें तो बेसन और सेमोलिना दोनों को मिक्स करके इसे कोट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स देख लिए हैं, अब हम जल्दी से चलते हैं इसे बनाने की तरफ। तो अब ये देखिए, यहाँ पे मसाले को हमें पहले मैरिनेशन के लिए मसाला तैयार करना होगा। तो हमने लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन और जो नमक ले रखा है उसे मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी नींबू का रस। तो नींबू का रस डालने के बाद मैं इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर मसाले को बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर फिश को ले लेंगे और अपने हाथों से ये मसाला जो है हमें इस कट्स पे बहुत अच्छे से लगा लेना चाहिए। अब पूरे फिश पे हम मसाले को अच्छे से लगा लेंगे। मसाले को हमें इस तरह से लगाना है कि ये जो कट्स है इसमें भी मसाला अंदर तक अच्छे से चला जाना चाहिए और यहाँ पे थोड़ा सा अंदर तक के हम मसाले को अच्छे से लगा लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से मसाला मच्छी पे अच्छे से लगा लिया है। अब हम इसे 1/2 से 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसे फिश को फ्राई करेंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा है तो आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। ये जितनी ज़्यादा मैरिनेट होगी उतनी ही ज़्यादा खाने में टेस्टी लगेगी। तो ये देखिए, यहाँ पे 1 घंटा मैंने इसे बहुत ही अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। अब जो है फिश बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है और साथ ही यहाँ पे मैंने एक प्लेट में सेमोलिना यानी कि सूजी को निकाल लिया है। अब इस फिश को मैं इस सेमोलिना पे से डाल दूंगी और इसे हमें बहुत ही अच्छे से कोट कर लेना है। तो सूजी को इस पर डालते जाएंगे और अपने हाथों से अच्छे से इसे हल्का हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। हमें इसे इस तरह से कोट करना है कि फिश जो है सारी तरह से अच्छे से सूजी से कोट हो जानी चाहिए। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इसे बहुत ही अच्छे से सूजी से कोट कर लिया है दोनों भी साइड से। अब यहाँ पर मैंने तेल ऑलरेडी गर्म के लिए रख दिया था। यहाँ पे तेल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है। एक बार इसे चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे अब मैं इसमें फिश डाल दूँगी। अब हमें इसे दोनों साइड से अलट पलट के मीडियम टू हाई फ्लेम पे गोल्डन और क्रिस्पी फ्राई होने तक के अच्छे से फ्राई करना है। ध्यान रहे, फिश जो है वो जल्दी नहीं चाहिए। एक साइड जैसे ही हमारी हो जाएगी हम पलट के दूसरी साइड अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं कि फिश जो है वो दोनों ही साइड से बहुत ही अच्छे से फ्राई हो चुकी है। अब मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी और पहले इसे किचन नैपकिन या टिश्यू पेपर पर निकाल लूंगी और फिर मैं इसे सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे फिश फ्राई बनकर बिल्कुल तैयार है और इसे मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही परफेक्टली कुक हुई है और ये दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। इसे मैंने थोड़ा सा प्याज और नींबू के साथ में गार्निश कर दिया है। तो आज की हमारी बहुत ही सिंपल रेसिपी तैयार है, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसे ट्राई कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।